Hello children how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children in computer are today's topic is artificial intelligence. So let's start the chapter. Learning objectives concept of artificial intelligence what is an intelligent decision AI in digital assistance, AI in YouTube video recommendations, AI in games, rock paper and scissors how to play rock paper and scissors online. Concept of artificial intelligence. The ability to understand or to deal with changing situation is called intelligence. Artificial intelligence or AI is the ability of a machine to copy human intelligence. In this process, a machine or robot is developed to think, behave, and work like a human being. The goal of AI is to make computer take intelligent decisions. बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है ठीक है एक एबिलिटी जो कि अंडरस्टैंड करती है या फिर डील करती है विथ चेंजिंग सिचुएशन वो कहलाती है हमारी इंटेलिजेंस ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम ए भी कहते हैं ये एक तरह की एबिलिटी ऑफ मशीन है इंटेलिजेंस क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंस है लेकिन आर्टिफिशियल क्या है उसका आर्टिफिशियल वर्जन है ठीक है तो ए जो है वो एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू कॉपी ह्यूमन इंटेलिजेंस ए जो होता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या करता है कॉपी करता है इस प्रोसेस में मशीन या फिर जो रोबोट होते हैं वो बनाए जाते हैं ताकि वो क्या कर सके थिंक कर सके बिहेव कर सके लाइक अ ह्यूमन बींग गोल ऑफ ए अब इसको बनाने का गोल क्या है इसके पीछे मकसद क्या है इसके पीछे मकसद है ताकि कंप्यूटर जो है वो अपने डिसीज़न जो है वो खुद से ले सकें नाउ वट इज़ एन इंटेलिजेंट डिसीज़न इंटेलिजेंट डिसीज़न इज़ अ साउंड डिसीज़न बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स इंटेलिजेंट डिसीजन वो होता है जो कि एक तरह का साउंड डिसीजन होता है जो कि आप अपने डेटा के हिसाब से खुद से लेते हो डेटा और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद से लेते हो जो कि कंप्यूटर नहीं ले पाता इसलिए ए या फिर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बनाई जा रही है ताकि जो कंप्यूटर हैं जो मशीन्स हैं वो अपने डिसीजन खुद से ले सके ए आई इन टूडेज वर्ल्ड यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द मूवी टर्मिनेटर दिस मूवी वॉज बेस्ड ऑन ए आई रोबोट Programmed with human intelligence and emotions. In reality, we have not achieved this level of AI till now. Scientists are working to make AI machines with human like ability to gain and apply knowledge and skills. let us लर्न what द scientists हैव बीन एबल टू क्रिएट इन द ai field till टिल नाउ अब बच्चों आपने एक मूवी आई थी हॉलीवुड की मूवी टर्मिनेटर उसको आपने देखा ही होगा उसमें कैसे एक टर्मिनेटर जो होता है एक एआई मशीन जो होती है वो ह्यूमन की तरह सोचती है ह्यूमन की तरह काम करती है लेकिन वो मूवी में दिखाया गया था वो रियालिटी में नहीं है रियालिटी में अभी तक जो साइंस है उन्होंने उस लेवल का ए जो है वो अचीव नहीं किया ठीक है साइंटिस्ट हालांकि उसमें काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमने उस फील्ड में कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं किए अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने किस फील्ड में ए को अचीव कर लिया है ए मशीन एंड नॉर्मल मशीन इन मॉडर्न वर्ल्ड वी फाइंड मशीन्स एवरीवेयर बट देयर इज़ अ बिग डिफ्रेंस बिटवीन अ नॉर्मल मशीन एंड एंड ए आई मशीन A normal machine is fed with instructions. When we activate it, it does the work based on only those instructions. But when such a machine is programmed with AI, it develops human understanding and behavior. For example, a normal music system plays music through a CD or DVD instructions that we insert in it. A smart music system with AI plays music through human voice commands. एग्जाम्पल्स आर एलेक्सा गूगल नेस्ट एंड सीरी अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि एक ए आई मशीन और एक नॉर्मल मशीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ठीक है मॉडर्न वर्ल्ड में हमें बहुत सारी मशीन्स हमारे आस पास देखने को मिलती है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है एक ए आई मशीन में और एक नॉर्मल मशीन में नॉर्मल मशीन क्या करती है अपनी जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर फीड होती है वो उसके बेसिस पे काम करती है जैसे कि एक जूसर होता है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसे क्या करना है सिर्फ फ्रूट्स का जूस ही निकालना है वो उसके अलावा कोई दूसरा काम करता ही नहीं है ठीक है इस तरह से जो आपका नॉर्मल म्यूज़िक सिस्टम होता है उसको आप प्ले करते हो ऑन करते हो तो उसमें सिर्फ गाने बजते हैं जो कि वो सी पे या ब्लूटूथ के थ्रू आप बजाते हो लेकिन जो आपके ए वाले जितने भी म्यूजिक सिस्टम होते हैं वो आपकी ह्यूमन वॉइस पे क्या करते हैं वर्क करते हैं जैसे आप उन्हें कमांड देते हो तो आपकी कमांड को सुनकर इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो करके वो क्या करते हैं आपके लिए म्यूज़िक प्ले करते हैं जैसे कि एलेक्सा है एलेक्सा को आप कमांड देते हो ठीक है तो वो आपकी कमांड पे म्यूजिक प्ले करती है जैसे आप उसको बोलते हो अलेक्सा प्ले ओल्ड सॉन्ग तो वो आपको पुराने सॉन्ग्स प्ले करके सुनाती है ठीक है इस तरह से वो क्या है एक ए आई जनरेटेड मशीन है जो कि आपके ह्यूमन वॉइस पे काम करती है नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अराउंड अस फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू स्मार्ट होम्स ए आई हैज मेड आर लाइफ ईजियर नाउ डेज लेट एस अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जाम्पल्स अब यहाँ पे बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई जो है वो हमारे आसपास कैसे है अब हमारे हाथ में जो फोन है वो क्या है वो एक ए मशीन है ठीक है ए आई इन डिजिटल असिस्टेंट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ एप्पल्स सीरी एंड एलेक्सा दीज टू आर द मोस्ट फेमस ए आई पर्सनल असिस्टेंट्स दे अंडरस्टैंड वॉइस कमांड्स एंड कम्पलीट टास्क फॉर द यूजर्स सच एज मेक अ कॉल और सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वेब दीज असिस्टेंट्स यूज ए आई टू आंसर एंड परफॉर्म वेरियस टास्क बच्चों ए असिस्टेंट जो डिजिटल असिस्टेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं जैसे कि आपने एप्पल सीरी के बारे में या फिर अमेजोन एलेक्सा के बारे में तो सुना होगा आप उन्हें कमांड देते हो तो वो आपके कमांड के ऊपर क्या करते हैं वर्क करते हैं उन इंस्ट्रक्शन को पहले वो सुनते हैं और फिर उनको फॉलो करते हुए वो आपको आपके कमांड को फॉलो करते हैं ठीक है जैसे आप उनको बोलते हो कि अलेक्सा मेक अ कॉल मेक अ कॉल टू हूँ तो आपसे पूछेगा ठीक है फिर आप उनको बोलोगे कि मेरी सिस्टर को कॉल करो या मेरे ब्रदर को कॉल करो या मेरी मॉम को मेरे फादर को कॉल करो तो वो आपके फोन में जो भी नंबर सेव होगा उनके नाम से वो उनको क्या करेगा कॉल करेगा ठीक है ए आई इन यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशन यू माइट हैव सीन दैट वेन एवर यू वॉच एनी वीडियो ऑन यू इट सजेस्ट यू सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोज़ हाउ डज यूट्यूब गेट्स टू नो योर लाइक्स वेल इट इज़ ए आई दैट ट्राइज़ टू अंडरस्टैंड योर चॉइस एंड सजेस्ट सिमिलर वीडियोज़ अब बच्चों आपके मम्मी पापा के फ़ोन में यूट्यूब तो हो गई अब यूट्यूब में जब आप कोई वीडियो देखते हो तो यूट्यूब आपको सेम तरह के वीडियोज़ क्या करता है सजेस्ट करता है अब उसे कैसे पता है आपकी लाइक्स के बारे में क्यों क्योंकि उसमें जो है ए आई इन बिल्ट है ठीक है अब वो आपको बताता है कि आपको इस तरह के सॉन्ग सुनने चाहिए या वो आपके लाइफ के ऊपर आपने जो प्रीवियसली जो भी वीडियोस या जो भी म्यूजिक सुना होगा उसके ऊपर वो आपको क्या करता करता है है गाने सजेस्ट नाउ ए आई इन गेम्स मेजोरिटी ऑफ वीडियो गेम्स सच एज रेसिंग शूटिंग एक्सेट्रा आर पावर्ड बाय ए आई सच गेम्स यूज ए आई टू क्रिएट क्लोज द रियलिटी गेमिंग इन्वायरमेंट एंड मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द प्लेयर अब ए आई जो है वो गेम्स में भी आपको देखने को मिलता है ठीक है बहुत सारे गेम्स ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि रेसिंग है शूटिंग है तो ये सारे पावर्ड बॉय है किससे ए आई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसमें वो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं जो आपको क्या लगते हैं रियल लगते हैं और आपका इंटरेस्ट आता है उसमें गेम खेलने में ए आई लैब लेटेस्ट प्ले द फॉलोइंग गेम्स बेस्ड ऑन ए आई टेक्नोलॉजी रॉक पेपर एंड सीजर Rock, paper, and scissor is a very simple game. You can learn the basic principle of artificial intelligence technology through this game. Game introduction This game is usually played by two players. In this game, the competing players use one hand to form one of the three shapes as shown in the figure. This game has only three rules. टिंग इट रॉक बीट्स बाय क्रशिंग इट पेपर बीट्स रॉक बाय कवरिंग इट दिस गेम टोटली डिपेंड्स ऑन गेसिंग वट द अपोनेंट विल चूज अकॉर्डिंग टू द गेस द प्लेयर्स ऑफ द गेम मेक वन ऑफ द थ्री हैंड पोस्टर टू डिफीट ईच अदर अब यहाँ पे बच्चों एक गेम के बारे में बताया गया है उस गेम का नाम है रॉक पेपर सीजर्स ये बच्चों आपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर खेला होगा तो आपको इसके रूल्स के बारे में भी पता होगा ठीक है इसके रूल्स आपको पता ही हैं जो सीजर्स क्या करता है वो पेपर को बीट करता है बाय कटिंग इट उसको कट कर देता है रॉक जो होता है वो सीजर को बीट करता है बाय क्रशिंग इट ठीक है और पेपर जो होता है वो क्या कर देता है रॉक को बीट करता है बाय उसको कवर करके ठीक है अब इसमें दो ओपोनेंट होते हैं वो अपना हाथ छुपा के पीछे वो रॉक पेपर सीजर बोलते हैं फिर वो अपने हैंड्स को आगे लेके आते हैं ठीक है थीक्या? फिर जिसने रॉक बनाया होता है या जिसने सीजर बनाया होता है तो इस तरह से वो गेम में आगे बढ़ते हैं ना हाउ टू प्ले रॉक पेपर एंड सीजर ऑनलाइन अब आप ऑनलाइन कैसे ये गेम खेल सकते हो टू स्टार्ट दिस गेम यू नीड अ कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्शन फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू सेकेंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज you can also open microsoft edge by clicking on its icon on the taskbar third click on address bar and type https www.onlinestopwatch.com .sttps www chance games rock paper scissors fourth press enter key from the keyboard fifth click on any one of them rock paper scissors enjoy the game after playing this game you must have learned how human mind works in certain patterns and how an ai enabled machine detects those patterns to predict future outcomes ठीक है यहाँ पे बच्चों स्टेप्स दिए गए हैं आपको सबसे पहले अगर आपको ये गेम स्टार्ट करना है आपको आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है उसके बाद आप क्लिक करेंगे स्टार्ट आइकन पे ठीक है टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू उसके बाद आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज पे ठीक है उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर सकते हैं किसके द्वारा उसके जो आइकन होता है उसके द्वारा भी आप इसको ओपन कर सकते हो उसके बाद आप क्लिक करोगे एड्रेस बार पे और टाइप करोगे ये जो फॉलोइंग लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है आप उसको टाइप करोगे ठीक है फिर आप प्रेस करोगे एंटर की को फ्रॉम द कीबोर्ड फिर आप क्लिक करोगे ऑन एनी वन ऑफ दैम अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा रॉक पेपर या फिर सीजन में से तो आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है फिर आप गेम को इन्जॉय कर सकते हैं ऐसे आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है अब इस गेम को खेल के आपको समझ में आ जाएगा कैसे ह्यूमन माइंड जो है वो वर्क करता है ठीक है इन सर्टेन पैटर्नस और कैसे ए आई मशीन जो है वो डिटेक्ट करती है उन पैटर्नस को ठीक है वो प्रिडिक्ट करती है और फिर उनको आपके सामने क्या करती है विजुअलाइज करती है इस तरह से आप ये गेम जो है वो ऑनलाइन खेल सकते हो नाउ डू यू नो दिस गेम केटर्स टू द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बाय इंकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू यूज स्किल्स लाइक स्ट्रैटेजाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग सीक्वेंस ये जो गेम है ये आपको बताता है कि कैसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है वो काम करती है और कैसे वो स्टूडेंट्स को इनक्रेज करती है ताकि वो भी अपनी स्किल्स जैसे कि स्ट्रेटेजाइजिंग और प्रिडिक्टिंग सीक्वेंस को इनक्रेज कर सकते हैं उसे इनहेंस कर सकते हैं नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डील विद चेंजिंग सिचुएशंस द गोल ऑफ ए आई इज़ टू मेक कंप्यूटर्स टेक इंटेलिजेंट डिसीजंसरी एंड एलेक्सा आर द मोस्ट फेमस ए पर्सनल असिस्टेंट्स AI video games create close to reality gaming environment. So, children, I hope you understood the chapter. Now, you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.